ओम शांति। आज 9 अगस्त 2020 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 4 मार्च 1986 की मुरली है। आज की मुरली का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाबा ने हमें श्रेष्ठ आत्मा का टाइटल देते हुए सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्मा होने का आधार और उसकी विधि बताई। फिर बाबा ने स्नेह की विशेषता बताई और स्नेह के फाउंडेशन वाली आत्मा के लक्षण भी बताए। बाबा ने हमें सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां बताई। हिम्मत से ही बाबा की मदद मिलती है, यह भी बाबा ने हमें आज समझाया। और बाबा ने सदा अमर भव की वरदानी आत्मा का टाइटल भी दिया और अंत में सदा खुशी में नाचते रहने की युक्ति भी बताई। आज बाबा ने हमें श्रेष्ठ आत्माओं का टाइटल दिया और कहा सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं। वर्तमान समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं द्वापर से अब कलयुग तक बनते हैं पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो परिष्ठ आत्माएं। फिर बाबा ने स्नेह की विशेषता बताते हुए कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है स्नेह। बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, स्नेह ने ही हमें श्रेष्ठ आत्मा बना दिया। सेवा का मूल आधार है स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती, और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता, क्वेश्चन समाप्त हो जाते। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। जहां स्नेह है वहां वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है, सदा बेफिक्र बादशाह है। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेव कर आगे उड़ा के ले जा रहे हैं। आगे बाबा ने हमें स्नेह का फाउंडेशन वाली आत्मा के लक्षण भी बताए। उन्हें कभी कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, उमंग उत्साह में रहेंगे, हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। बड़ी दिल वाले होंगे, उनके लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं की स्थिति रहेगी। बाबा ने मेरे प्रति कहा है, मुझे करना ही है। फिर बाबा ने हिम्मत के बारे में कहा बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत से बाप की मदद मिलती है, ना उम्मीद में उम्मीद के दिए जग जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाती है। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। दृढ़ता कलराटी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आज बाबा ने सेवा के बारे में कहा विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। शांति प्रिय सब आत्माएं हैं,
तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती है, तो उनके संपर्क में अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। फिर बाबा ने हमें सदा खुशी में नाचते रहने की सहज विधि भी बताई। एक खजाने की चाबी नहीं, सर्व खजानों की चाबी, एक शब्द मेरा बाबा। बस बाबा बाबा कहते रहे तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। आज का वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते हैं। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसे रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्म ते ही सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।